हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड कैसा का है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता। साथ में है मेरे भाई लोग आज यहां पर जो आए हैं मुंबई से। एंड दोस्तों आज आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि हाउ एक्साइटेड आई एम। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इट इज़ अबाउट द जर्नी हाउ आई गॉट कनेक्टेड विद दीज थ्री पीपल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। भाई आज हमें जिस तरीके का एक जो प्राउड फील हो रहा है ना, इट इज़ आई कीप ऑलवेज यू नो टेलिंग यू गाइज कि जिस तरीके से आप लोग हमें फील करवाते हो इट इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट। बट आज मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, उतना ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज लकी भाई, मोहित भाई एंड विशाल भाई तीनों आज मुंबई से जो आए हैं, जो एक जर्नी है द वे वी गॉट कनेक्टेड एंड काम क्या हो रहा है वो तो आपका दिमाग ख़राब होगा ही होगा, अलग लेवल पर जाने वाला है। लेकिन ये जो एक एक्सपीरियंस है ये भी वर्थ है सुनने लायक, क्यों भाई? तो बिफोर आई शो माई व्यूअर्स एंड ऑल कि गाड़ी में क्या काम होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, मैं मतलब वो लोग को बताना चाहूँगा कि हाउ वी गॉट कनेक्टेड। मतलब आप लोग एक फ्लाइट लेके आना, गाड़ी इधर आना, सेलेक्ट करना, जाना, लाइक इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग फॉर अस भाई। सो हरे कृष्णा एंड वेरी वेरी थैंक यू नमन जी। मैंने नमन जी का वीडियो 2.5 साल पहले एक बार देखा था, ऐसे ही 5 मिनट का, कुछ दूसरा सर्व कर रहा था जब, लेकिन जब ही मेरा इनका कनेक्ट हो गया वीडियो के अंदर से ही जो वाइब्रेशंस आए, तो मैंने इनका नाम फीड करके रखा मारवाड़ी गुप्ता हैदराबाद कार एक्सेसरीज। और फिर जब ये कार ली तो नाम ही ख्याल नहीं आ रहा था क्या है, तो फिर मैंने सर्च करा मारवाड़ी हैदराबाद, तो इनका नाम कॉल कब हुआ एंड फिर आए। और मैं आज सुबह जो है वो फ्लाइट से आया हूँ बॉम्बे से, और अभी सब इनके साथ डिसाइड हो गया है, अभी 4-5 दिन काम चलेगा ये देखेंगे। और ये दोनों मेरे भतीजे हैं, ये जो है गाड़ी जो है जलगांव से लेके आए हैं चला के, तो इनका एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे आए हैं। तो बोलो मोहित, पहले तो काफ़ी पागलपन लग रहा था इतना अच्छा बॉम्बे छोड़ के हैदराबाद आना, पर अभी यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि कार सोनिक क्या चीज़ है। ये पूरे महाराष्ट्र में ऐसा काम नहीं हो सकता है, पूरे इंडिया में नहीं हो सकता है। काफ़ी इधर अच्छा लगा और फुल सेटिस्फाइड है, इसलिए पूरे कार का काम यहाँ पे करा रहे। जब यहाँ आए कि ऐसा लग रहा था कि कब अपना काम शुरू होगा, जब देखा तो सारे गाड़ी एकदम खोल खाल के सब एकदम फास्ट काम शुरू हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि अपने को 2 दिन में ये गाड़ी दे देंगे। नहीं भाई 4 दिन तो लूंगा। मेरा तो एक ही कहना है, जो भी लोग आएंगे देखेंगे कि आप गाड़ी किससे भी बनाई है, एक बार नमन भाई से मिल के जाइए, ठीक है? मिलने के बाद में जो आपका डिसीजन रहेगा दैट इज योर डिसीजन, बट यू शुड वंस कम योर मीट हिम, see what he tells, how he explains, what he shows to you, and then you take a decision for sure. Thank you so much bhai, hare krishna, and I am literally again main bol raha hu, main pehli baar itna short of words hota hu, sorry to interrupt him। abhi aisa ho gaya hai ki hamari ye gaadi 4-5 din yahan rahegi, aur jab hum wapas aa rahe hain ye dono to freelander leke aa rahe hain, ye gaadi leke ja rahe hain, फिर ऐसा प्लान हो रहा है वो गाड़ी को लेने के लिए दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी लाएंगे और लेके जाएंगे। 100% आई थिंक दैट इज हाउ द रिलेशन बिल्ड्स। एंड मैं बहुत कम मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आई फील शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है आई एम वेरी टॉकेटिव, लेकिन आज एक ऐसा ही मोमेंट है सर जहाँ पर आई कैनॉट एक्सप्रेस व्हाट आई एम एग्जैक्टली फीलिंग, इट डज मीन्स अस अ लॉट। एंड दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके का इसमें काम होने वाला है ना, वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज नाउ। मैं आपको बस भाई लोग को बस विदा करके आप लोग को साथ वापस जुड़ने वाला हूँ, एंड तब हम एक ऐसा क्विज खेलेंगे कि मैं एक आइटम बोलूँगा, लिस्ट बोलूँगा, अगर आप एक कोई आइटम बोल दो कि इसमें वो लग सकता है और हमने स्किप आउट किया है, देन 100% वी विल हैव समथिंग ऑन द कमेंट सेक्शन। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट मी जस्ट बिड देम अ गुड बाय बिकॉज वी विल बी जॉइनिंग बैक लेटर ऑन एट द एंड विद यू नो विशाल भाई एंड मोहित भाई को वापस मिलेंगे, तब वापस जानेंगे उनसे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखाए। बट सर आई डोंट थिंक विल बी जॉइनिंग अस लेटर ऑन, बट सर इट वाज लवली मीटिंग यू, वी आर एस्ट्रली कनेक्टेड, 100% सो कैच यू वेरी सून फ्रेंड्स। हरे कृष्णा, थैंक यू। वो फ्रेंड्स आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि आज आप जो विटनेस करने वाले हो ना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आज तक आपने कोई क्रेस्टा में नहीं देखा होगा। मैं खाली आपको प्रोडक्ट्स के खाली लिस्ट करने वाला हूँ जो मेरे माइंड में ऑलरेडी इधर सेट है, आप मेरे को बोलना है कि इसमें हमने कुछ छोड़ा है क्या। सीट कवर्स आने वाले हैं जहाँ पर सामने और मिडिल रो दोनों में वेंटिलेशन सिस्टम आएगा, डैशबोर्ड पूरा लेदर में रैप होने वाला है, डोर पैड्स पिलर्स पूरा लेदर में होंगे, स्टेयरिंग विद द सेंटर हब पूरा लेदर में आने वाला है, अंदर के तरफ में मैट्स वगैरह क्रेजी 70 आने वाले हैं, एम्बियंस लाइट लगने वाली है, स्कफ प्लेट्स लगने वाले हैं, बूट में भी मैट एक प्रॉपर तरीके की बैठने वाली है,
टच स्क्रीन सिस्टम आने वाला है 10 इंच का, 8GB रैम, 2K का रेजर का, ड्रोन 360 कैमराज आने वाले, पूरी गाड़ी को डैम्प करने वाले, दैट इज डोर्स को डबल डैम्पिंग, फ्लोर डैम्पिंग, रूफ डैम्पिंग, बोनट डैम्पिंग, डिक्की डैम्पिंग, प्लस सामने ऑडिसन वोचे कॉम्पोनेंट्स, 8-चैनल एम्प, 9-चैनल DSP, एक्टिव सबवूफर जो प्रॉपरली ट्यून होने वाला है, बाहर के तरफ में पूरा नैनो सिरामिक फिल्म, पूरे क्रोम एस्थेटिक्स, ऑटोमेटिक साइड फुटरेस्ट, भाई 17 इंच के इसमें योकोहामा के टायर्स लगने वाले, ब्यूटीफुल प्लैटिनम फिनिश के एलॉयज लगने वाले, सामने हेडलाइट्स निकल के प्रॉपर बुकाटी स्टाइल के हेडलाइट्स लगने वाले विद 4 प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर फॉग लाइट लगने वाली है, ड्राइविंग बार लाइट लगने वाली है, आगे के तरफ में पूरा अल्फ्रेड का एक बॉडी किट लगने वाला है, पीछे टेल लाइट्स रिप्लेस होने वाले, बॉडी किट लगने वाली है, पीछे भी रिफ्लेक्टर्स लगने वाले हैं, रेयर का तो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है भाई साहब, आई एम टायर्ड नाउ। इसके अलावा भी बहुत कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, डैश कैम्स एंड ऑल, जो लिटरली बोल रहा हूँ इज गोइंग टू मेक दिस प्रोजेक्ट अ हेल लॉट ऑफ एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, लेट मी गेट दिस वर्क स्टार्टेड एंड गेट बैक टू यू विद द इनोवा क्रेस्टा जो आज तक आपने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दोस्तों हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ इनोवा क्रेस्टा आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड अब यकीन मानिए दिस इज आवर रियल ड्रीम प्रोजेक्ट। मतलब इस गाड़ी के जैसी गाड़ी शायद ही आपने इंडिया लेवल में कहीं देखी होगी। भाई क्रेस्टा में करने के लिए इतना सब कुछ है आज आपको पता चलेगा, क्योंकि आज जो आपने सोचा तक नहीं होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। तो बिफोर आई शो यू दी एक्सेसरीज जो हमने इसमें इंस्टॉल किए, सबसे पहले बात करेंगे अबाउट दी ऑडियो अपग्रेड। दोस्तों सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक रेजर कंपनी का 8GB रैम का टच स्क्रीन सिस्टम लगाया है विद 128GB स्टोरेज। दोस्तों ये जो आप सिस्टम देख रहे हो पूरा का पूरा इन्फाइनाइट डिस्प्ले है, साइड्स में कोई बटन नहीं है, पूरा 2K पैनल है ये पूरा हमारा सिस्टम, पूरा कैपेसिटिव टच, पेन ड्राइव बॉक्स, रेडियो, ब्लूटूथ तो है ही है, साथ ही साथ में ये सिस्टम के अंदर हमें मिलता है ट्रू जेन्यून 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 2000 पिक्सल क्लैरिटी का स्क्रीन है। दोस्तों आज कोई ब्रांड नहीं देता ये हमें, एंड्रॉयड वर्जन 12 है इसके अंदर, ब्लूटूथ वर्जन 5 है इसके साथ, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले दोनों का दोनों वायरलेस रहेगा, 360 कैमरा है इसके अंदर हमने जो लगाया है, इनसेन स्टफ। मतलब इसकी जो क्लैरिटी है, इसका जो UI है, आई डोंट थिंक आज इसके आसपास भी कोई प्रोडक्ट आ सकता है। प्लस हमने इस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कराया हमारा TPMS ऑल्सो। तो अगर आप देखोगे हम जब यहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम में TPMS देखते हैं तो हर एक टायर का इंडिविजुअल प्रेशर एंड ऑल्सो टेम्परेचर दोनों दिखाई देगा, जो टायर बस्ट होने से पहले भी जो बेसिकली टेम्परेचर रहता है वो भी यहाँ पर है एंड साथ में प्रेशर है कि नहीं, कूल सा सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो हमने ऑडियो अपग्रेड भी किया है, ऑब्वियसली जब काम A1 हो रहा है तो ऑडियो भी A1 होना चाहिए, तो इसमें ऑडिसन के 4 डोर में 4 कॉम्पोनेंट्स लगे हैं, सामने के ट्वीटर्स ओरिजिनल स्पेस में लगाए हैं हमने, पीछे के ट्वीटर्स आप देख सकते हो डोर पैड के अंदर प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट किए गए हैं, अलग से आपको बाहर लगा हुआ फील ही नहीं होगा। साथ ही साथ हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया हमारा एक 8-चैनल एम्पलीफायर 9-चैनल प्रोसेसर के साथ, जो हमारा पर्सनल फेवरेट है, उसके वजह से हर एक ट्वीटर और हर एक स्पीकर को इंडिविजुअली हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द विजार्ड जहाँ पर से हम ट्यूनिंग करने वाले दोस्तों पूरी तरीके से। अगर आप देखोगे ये हमारा आर्किटेक्चर है जहाँ पर हर एक डोर का हर एक ट्वीटर एंड स्पीकर सेलेक्टेड है। मैं जब ट्वीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो बेसिकली ये जो बैंडविथ है 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो यहाँ पर से ग्राफ बन रहा है, दैट मीन्स ओनली दीज फ्रीक्वेंसीज आर एक्टिव, ये बाकी के पूरे डमी हो जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ट्विटर उसका 100% परफॉर्म करेगा। जब हम स्पीकर सेलेक्ट कर रहे हैं तो बेस कट हो जा रहा है, ट्विटर का काम कट हो जा रहा है, खाली बस वोकल्स आएंगे। एंड लाइक वेज जब हम वूफर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो वोकल्स एंड ट्रेबल दोनों कट हो जा रहे हैं एंड खाली बेस आ रहा है। दोस्तों इस सेग्रीगेशन के वजह से जिस तरीके का एक ऑडियो निकल कर गाड़ी में से आपको आएगा, जिस तरीके से ये जो ट्यून होगा और जिस तरीके से एक ट्रू आउटपुट हमें निकल के आएगा ना, इट इज़ गोइंग टू बी अनदर डिफरेंट लेवल। तो लेट मी जस्ट प्ले अ फ्यू सॉन्ग्स एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से बेसिकली ये साउंड कर रहा है, तो आपको भी पता चलेगा, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो द काइंड ऑफ ऑडियो क्लैरिटी आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स फर्स्ट प्ले सम ताल म्यूजिक, बीट्स ऑफ पैशन, जिसमें आपको पता चलेगा द काइंड ऑफ सराउंड इफेक्ट ये गाड़ी के अंदर जो आ रहा है। Thank you.
इतना ज्यादा खुश मत हो, यकीन मानो ऑडियो तो हमारा फोटे रहा ही है। आज जो आपको दिखने मिलेगा ना, इट इज गोइंग टू ब्लो अवे ऑल योर माइंड्स। आई डोंट केयर ये वीडियो मोनेटाइज हो मत हो, गाने तो पूरे बजेंगे, आपको पता चलेगा द ट्रू आउटपुट इस गाड़ी में हुआ है, क्योंकि जितना पैशनेट कस्टमर थे भाई उतना ही पागल हम है। तो आइए अब देखते हैं बाकी क्या एक्सेसरीज। हाउ कूल इज दिस, है कि नहीं इनसेन भाई? जस्ट हैव अ लुक एट दिस फ्रंट लुक। दोस्तों इसे कहते हैं द अल्फ्रेड फ्रंट बम्पर। जी हाँ, टोयोटा में अल्फ्रेड बोलकर एक गाड़ी आती है जिसका एग्जैक्ट होलिया इसी तरीके से होता है। भाई जस्ट हैव अ लुक एट दिस लुक फ्रॉम द फ्रंट, मतलब क्या लेवल का काम हुआ है, किस तरीके से गाड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं जोरदार भाई। 50 गाड़ियां भी अगर खड़ी होना, ये गाड़ी ऐसी है जो अलग नज़र पलटाएगी भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, दुकान से बस हम लोग जब इधर वीडियो शूट एरिया तक आए, कम से कम भी 15 लोग गाड़ी ऐसा जा रही है, तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऐसा था कि वो पलट के नहीं देखा। पीपल टेकिंग आउट कैमराज एंड क्लिकिंग फोटोज विद द व्हीकल, बिकॉज इस गाड़ी का जो एक लुक आया है आफ्टर दिस बॉडी किट, इट इज़ इनसेन भाई। दिस इज द स्टार ऑफ दिस एंटायर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो मेड इन थाईलैंड किट है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल अलग से आता है, ये पूरा का पूरा स्टड बम्पर अलग से आता है। जस्ट लुक एट दीज क्रोम फिटिंग्स, कितना ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट तरीके से फिट हुए हैं, है कि नहीं जोरदार सा इफेक्ट भाई। दिस इज़ व्हाट आई कॉल एन ब्यूटीफुल अपग्रेड। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सेटअप इज़ द ब्यूटीफुल हेडलाइट जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अगर आप देखोगे, ये कोई रेगुलर क्रेस्टा हेडलाइट नहीं है, ये हमारी हेडलाइट है विद ट्विन DRL विथ 4 प्रोजेक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, 4 प्रोजेक्टर लाइट एंड इंडिकेटर मैट्रिक्स एट द टॉप। वैसे ही रुकना, बस हेडलाइट ऑन कर रहा हूँ आप लोग के लिए। जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल एनिमेशन दैट रन्स अराउंड ओवर देयर, है कि नहीं कूल? दिस इज बेसिकली द हेडलाइट असेंबली ओवर हियर जो ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आपको लो बीम एंड हाई बीम दोनों में काम करेगा। अगेन आई जस्ट स्विच इट ऑफ एंड स्विच इट ऑन फॉर यू गाइस, यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हियर। एक छोटा सा ब्लूइश शेड टाइप रहेगा फॉर द लो बीम, दैट इज बेसिकली द लुक, एंड द हाई बीम ऑन करते ऐसा। इंडिकेटर डालूंगा तो एज इट इज मैट्रिक्स स्टाइल इंडिकेटर भी ऊपर साइड रन करेगा भाई। खाली अभी पीछे जाकर दोनों हेडलाइट्स का लुक ऑन होने के बाद, ये ग्रिल के साथ, ये बम्पर के साथ एक बार देखिए कितना ढांसू दिख रहा है कि नहीं जोरदार। इट इज़ अनडाउटेडली अ ब्यूटिफुल अपग्रेड। अलॉन्ग विद दिस दोस्तों, क्योंकि लाइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमने यहाँ पर
ट्विन बाइपोलर प्रोजेक्टर फॉगलाइट्स लगाए हैं। दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर प्रोजेक्टर फॉगलाइट जो लगाए इन द ओरिजिनल स्पॉट। हम उसे जब ऑन करेंगे तो एज इट इज उधर एक वाइट कलर की लाइट इसके थ्रू पास होगी। अगेन फॉगलाइट के अंदर भी दोस्तों हाई बीम एंड लो बीम फंक्शनैलिटी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इन शॉर्ट द काइंड ऑफ फोकस एंड थ्रो आपको मिलेगा इज अनकॉम्प्रोमाइज्ड, बिकॉज कस्टमर का ड्राइव रूरल एरियाज, हाईवेज एंड यू नो घाट रोड्स हर जगह होता है। तो हमने यहाँ पर एक ट्विन बार लाइट भी दिया है, दिस इज फॉर एडेड लाइटिंग सोल्यूशन, ताकि भाई उनको एक सिंगल पर्सन भी दिक्कत ना हो। दीज हैव अ थ्रो ऑफ 120 मीटर्स दोस्तों। तो आपको स्पॉट आ गया है, प्रोजेक्टर फॉगलाइट्स का स्प्रेड आ गया है, एंड हेडलाइट्स तो वैसे भी चार प्रोजेक्टर्स के साथ है ही है। कैसे लग रहा है मेरे को बोलो भाई, है कि नहीं अल्टीमेट, है कि नहीं जोरदार भाई, ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बस ऐसे ही बोलने के लिए नहीं है, काम वैसा हुआ है कि भाई हमारा एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है इस गाड़ी को लेकर। अगेन फ्रेंड्स, इट डजंट स्टॉप ओवर हियर, हमने इस गाड़ी का जो चाबी है उसे भी एक स्मार्ट की में कन्वर्ट की है। तो अगर आप देखोगे दिस साइड, तो वी हैव गॉट ऑल दीज बटन्स ओवर हियर जो पूरे के पूरे काम करेंगे यहाँ पर। बट साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक प्रॉपर डिजिटल की भी विटनेस करने मिलेगी। तो लेट मी जस्ट सी हाउ इट गेट्स स्विच्ड ऑन। ओके, देयर इज अ बटन ओवर हियर एंड दिस इज द टच ओवर हियर, स्लाइड अप टू अनलॉक, यू कैन सी लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग, ये पूरे के पूरे कंट्रोल्स टच में अंदर हमें आ चुके है कि नहीं कूल भाई। दिस इज व्हाट आई कॉल ए टू जेड ऑफ एन अपग्रेड, दिस इज एक्चुअली द की टू दिस ब्यूटिफुल टोयोटा व्हीकल जो हमारे पीछे खड़ी है। अगर आपको लग रहा है कि नमन भाई इतने में खुश हो जाएंगे और उसे ड्रीम प्रोजेक्ट का टैग दे देंगे, तो भाई यू आर मिस्टेकन, पिक्चर अभी बाकी है। आइए साइड प्रोफाइल में, लेट मी शो यू सम अदर क्रेजी प्रोडक्ट्स। अगर आप इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखोगे, सबसे पहले जो आपकी नज़र पड़ेगी आर दोज ब्यूटिफुल प्लैटिनम फिनिश एलॉयज। भाई आइए क्लोजअप में, जस्ट हैव ए लुक एट दैट ब्यूटिफुल एलॉय ओवर देयर। आई लव दिस एलॉय बिकॉज उसका जिस तरीके का डिज़ाइन है, जो कलर है, इट इज़ अनडाउटेडली ब्यूटिफुल। ये प्लैटिनम फिनिश का है जो आज सबसे हॉटेस्ट सेलिंग, एंड ये जो गार्नेट रेड कलर है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल तरीके से ये मर्ज हो जाता है। इट एक्चुअली ब्लेंड्स वेरी वेल विद दिस पर्टिकुलर कार कलर। हमने इसमें एज इट इज़ योकोहामा के टायर्स भी डाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, द सेकेंड स्टार प्रोडक्ट साइड प्रोफाइल में इज द अमेजिंग साइड फुटरेस्ट। आप देख सकते हो फुटरेस्ट ओवर हियर दोस्तों ऑलरेडी लग चुका है, बट ये है हमारा ऑटोमेटिक फुटरेस्ट। तो जब बंद रहेगा यू कैन नॉट इवन मेक आउट कि सच कुछ है, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही यू कैन सी अ फुटरेस्ट विल स्लाइड आउट ओवर देयर, जो आपको एक अलग लेवल का कंफर्ट देगा फॉर यू टू गेट इन एंड गेट आउट ऑफ द कार। तो एज इट इज़ मैं जब गाड़ी के अंदर चढ़ूंगा आराम से मेरा पूरा वेट डाल के, क्योंकि ये हमारा है ड्यूअल मोटर का फुटरेस्ट विद एल्यूमिनियम गैल्वनाइज मटेरियल, तो पूरा वेट भी लेगा, दो जन भी एक साथ चढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से गाड़ी के अंदर बैठो, दरवाज़ा बंद करो, फुटरेस्ट स्लाइड इन हो जाएगा, एंड एज इट इज़ जब हम दरवाज़ा खोलेंगे तो ऑटोमेटिक फुटरेस्ट भी स्लाइड आउट हो जाएगा, है कि नहीं कूल। तो जब दरवाज़ा बंद कर रहे हैं आप खुद देख सकते हो फुटरेस्ट इज क्लोज इन साइड, दरवाज़ा खोलते ही ऑटोमेटिक बाहर की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज़ आर ऑटोमेटिक साइड फुटरेस्ट दोस्तों जो हमने लगाया है। थर्ड स्टार प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल कैरियर ओवर ईयर। अगेन कैरियर्स कई सारे देखे होंगे आपने, बट ये हमारा बॉडी में मर्ज होता हुआ कैरियर, तो सेम बॉडी कलर का ही है। अंदर के तरफ में यू विल फाइंड अ फ्रेमिंग जिसके अंदर हम लगेज वगैरह रख सकते हैं। तो आइए एक बार ऊपर से ट्राई करेंगे देखने का। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली द कैरियर एट द टॉप लुक्स लाइक, जहाँ हम लगेज वगैरह रख सकते हैं। तो एक टिपिकल कैरियर जैसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस छोटे छोटे एक्सेसरीज जैसे डोर वाइजर्स हमारे कोरियन लगे गए हैं, डोर साइड बीडिंग हमने लगाई है, नैनो सिरामिक फिल्म डाला है ग्लासेस के ऊपर, बट दोस्तों डोंट वरी, ये है एज पर नॉर्म्स फिल्म। अभी आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, दैट इज़ बिकॉज हमने इसमें लेज़र शेड्स भी डाले हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एक कर्टन के जैसा लगा हुआ है, दिस इज़ आर लेज़र शेड जो बीडिंग के अंदर फिट होता है। ऑर्डनरी कर्टन्स मैग्नेट के साथ ऊपर के तरफ में आते हैं, बट दरवाज़ा जब बंद करते हैं ये स्क्रैचेस वगैरह देकर कलर निकाल देते हैं, एंड 10 दिन के अंदर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये जो कर्टन है दोस्तों 2018 से आज तक हम हमारी गाड़ी में खुद भी यूज़ कर रहे हैं। 1000 टाइम्स आई बैंग द डोर, एक पर्सन गिरेगा नहीं, विंडो के फ्रेम के अंदर फिट होगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, आप जब देखोगे बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप अंदर से बाहर देखोगे एवरीथिंग विल बी क्लियरली सीन, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं।
सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सेसरीज वी जनरली प्रेफर इंस्टॉलिंग इन ऑल आर कस्टमर्स कार। अगेन आप सोच रहे होंगे कि नमन भाई इतने में खुश हो जाएंगे, हरगिज नहीं। आइए पीछे के तरफ, लेट मी शो यू द रेयर प्रोफाइल ऑफ दिस कार। भाई अगर आप इस गाड़ी का रेयर प्रोफाइल देखोगे, जैसे सामने के तरफ में हमने इसका एक अल्फ्रेड किट डाला था, उसी तरीके से उसका ये पीछे के तरफ का किट है। आप देखोगे अगर दोस्तों, दिस इज बेसिकली अ बॉडी किट। कम क्लोजर, फिनिशिंग देखो आप, एक सिंगल सूता गैप नहीं, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कोई बम्पर अलग से लगाया है। इट विल मेक इट लुक एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर बम्पर ओनली। दिस इज द काइंड ऑफ वर्क यू कैन एक्सपेक्ट एट आर प्लेस। दोस्तों हम आपको फील ही होने नहीं देंगे कि आपने कोई एक्स्ट्रा फिटिंग कराई है। प्लस गाड़ी का जो लुक ट्रांसफॉर्म हो रहा है आफ्टर दिस बॉडी किट, जिस तरीके से इसका एक फील गुड फैक्टर आ रहा है भाई, इट इज सुपर्ब। इट इज लिटरली अनदर डिफरेंट लेवल। इसके साथ साथ जो पीछे का हमारा सेकेंड स्टार प्रोडक्ट है, इट इज़ द टेल लाइट्स। तो हम यहाँ जब बेसिकली हेडलाइट ऑन करेंगे, तो ये जो डिज़ाइन में ऑडी Q8 स्टाइल के जो टेल लाइट्स ऑन होते हैं, इट इज़ सुपर्ब। साथ ही साथ में बॉडी किट के अंदर भी यू विल हैव वन डेंजर लाइट, जो एक बेसिकली फ्लैश करते रहेगी, विच अगेन कॉम्प्लीमेंट्स विद दीज लाइट्स ब्यूटिफुली। अगेन दोस्तों साइड से आके देखना, मैं लाइट्स ऑफ करके वापस ऑन कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। जस्ट एन्जॉय द एनिमेशन। दिस इज ऑलवेज जब आप हेडलाइट ऑन करोगे, ये ऐसा एक एनिमेशन प्ले होगा। इजंट इट कूल? प्लस साथ ही साथ इसके अंदर जब हम इंडिकेटर डालेंगे, तो एज इट इज यू विल सी मैट्रिक्स स्टाइल इंडिकेटर रन होगा। कैन यू सी दैट? सो दिस इज द काइंड ऑफ सेटअप यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट ऑफ योर एंटायर कार। अगेन फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि नमन भाई इतने से खुश हो जाएंगे, तो हरगिज नहीं, बिकॉज द इंटीरियर्स आर येट टू कम। इस गाड़ी के इंटीरियर्स की अगर बात करेंगे हम, सबसे पहले तो ब्यूटिफुल स्कफ प्लेट्स ओवर देयर विद द क्रेस्टा बैजिंग। दोस्तों ये जो लाइट के साथ वाले स्कफ प्लेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं विद द स्टील फिनिश, इट इज़ अनदर डिफरेंट लेवल। अंदर फुल मैटिंग एंड वॉशेबल फुट मैट्स भी डाले गए हैं 70 स्टाइल के। उसके अलावा द सीट कवर्स ऑल्सो वॉट वी हैव डन इन दिस कार आर प्योर आर्टिको लेदर। दोस्तों ये जो सीट कवर्स आप देख रहे हो, 1.8 mm थिकनेस के आर्टिको लेदर है। कोई एक सिंगल परसेंट डिससिमेट्री नहीं है, सेंटर में पूरी तरीके से परफोरेशन है। तो इट विल मेक श्योर कि भाई गाड़ी के अंदर वो गर्मी ना हो। एंड साथ ही साथ फिटमेंट भी आप देख सकते हो, कितना डीप एंड बकेट फिट के अंदर ये कवर आया है। दोस्तों व्हेन आई टॉक अबाउट वेंटिलेशन, सिर्फ होल्स लगाने से वेंटिलेशन नहीं होता है, वी नीड टू हैव दैट वेंटिलेशन सिस्टम ऑल्सो। तो अगर आप देखोगे इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पर हमने एक स्विच लगाया है। दिस इज़ बेसिकली अ प्रॉपर वर्किंग वेंटिलेशन स्विच, जो प्रॉपर यहाँ पर एक काम करेगा। जब हम यहाँ पर सिंगल बटन दबाएंगे, तो एज इट इज़ लाइट इल्यूमिनेट हो जाएगी। एंड लेवल 3 के अंदर मेरा जो बैक और मेरा जो बेस है, उसमें से प्रॉपर हवा आना शुरू हो गई है। दोस्तों इट इज़ नॉट इवन आई थिंक अबाउट 7 seconds नाउ एंड आई कैन फील द इफेक्ट ऑन माई बैक एंड बेस बोथ। एक हवा आना शुरू हो चुकी है। अगेन ये कंट्रोल्ड है दोस्तों, लेवल 3 ऑटोमेटिक ऑन होता है। अगेन जस्ट बाय सिंगल क्लिक लेवल 2 पे आ जाएगा, अगेन बाय सिंगल क्लिक लेवल 1 एंड अगेन बाय सिंगल क्लिक ऑफ भी हो जाएगा। मुझे सिंगल ऑन करना है वो भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ वन ब्यूटिफुल प्रोडक्ट अपग्रेडेड इन दिस कार। ब्यूटिफुल सा एक गेयर नॉब लगा है, आप खुद फिनिशिंग एंड फिटिंग देख सकते हो। क्रिस्टल गेयर नॉब है ये हमारा, प्रॉपर ग्लास फिनिश है ऊपर की तरफ से। टच करते ही टच सेंसर के साथ एक एनिमेशन और एक लोगो कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा कलर उसका। ब्यूटिफुली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मेड फॉर क्रेस्टा व्हीकल है। गाड़ी के अंदर हमने जो इसका लेदर का काम है, वी हैवंट रेस्ट्रिक्टेड इट ओनली टू द सीट्स। सेंटर आर्मरेस्ट भी अगर आप देखोगे, वो भी पूरा लेदर में सेम ब्लैक एंड टैन कलर में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। नॉट ओनली द लेदर ऑन द सीट एंड द आर्मरेस्ट, दोस्तों अगर आप इस गाड़ी का स्टेयरिंग भी देखोगे, तो उसे भी ब्यूटिफुल तरीके से लेदर में रैप किया है। तो दिस इज़ अ प्योर लेदर फिनिश ओवर हियर जो हमने डाला है। ऊपर के तरफ में ओरिजिनल वुडन फिनिश को डिस्टर्ब नहीं किया है। सेंटर में जो हब है, उसे भी पूरी तरीके से लेदर में डाला है विद नो हॉर्न डिस्टर्बेंस। पूरा ड्यूअल टोनिंग में किया है, ताकि एक ओवरऑल थीम गाड़ी के अंदर मेंटेन रहे एज इट इज़। गाड़ी के अंदर का जो डैशबोर्ड है, उसे भी पूरी तरीके से लेदर में रैप किया है। दोस्तों आप खुद देख सकते हो द काइंड ऑफ वर्कमैनशिप डन फॉर द डैशबोर्ड ओवर हियर। एक सिंगल सूता, कोई गैप वगैरह नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉपर 2-tone डैशबोर्ड डन। तो यू विल फाइंड दिस अगेन टैन कलर ओवर हियर विद द ब्लैक कलर। एंड ये जो एक सॉफ्ट टच का जो फील है ना भाई, भाई कोई प्रीमियम गाड़ी से कम नहीं है ये। वर्कमैनशिप अगेन अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट वंस। भाई ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो खाली ऐसे बोलेंगे नहीं, वी विल वर्क ऑन इट एंड प्रूव इट एंड शो इट टू यू। अगर आप सोच रहे होंगे इतने में हो गया, तो होल्ड इट राइट देयर।
क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये जो पिलर्स भी आप देख रहे हो गाड़ी के अंदर, जो 8 पिलर आते हैं वो भी पूरी तरीके से लेदर में रैप हुआ है। लेट इट बी द फ्रंट पिलर ओवर हियर, लेट इट बी माई मिडिल रो पिलर ओवर हियर जो इधर आ रहा है, लेट इट बी माई थर्ड रो पिलर, आई डोंट नो यहाँ पर से आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, या लेट इट बी द डिक्की का फोर्थ रो का पिलर, पूरे के पूरे पिलर्स लेदर में। भाई वॉट अ कम्फर्ट, इस टाइप का काम होगा ना तो लिटरली बोल रहा हूँ नींद सुकून की आती है। एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर डोर पैड्स का भी अगर आप देखोगे लेदर का काम जिस तरीके से हुआ है, इट इज़ ब्यूटिफुल, द स्टिचिंग, द फिनिशिंग, द काइंड ऑफ आउटकम दैट हैज कम आउट, इट इज़ अल्टीमेट। तो इन शॉर्ट दोस्तों, अब जब मैं गाड़ी को देख रहा हूँ जिस तरीके से बेसिकली पहले के तरफ में प्लास्टिक 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 हर जगह आता था, अभी वो पूरी तरीके से लेदर में रैप अप हो चुका है। लेट इट बी माई सीट्स, माई आर्मरेस्ट, माई डैशबोर्ड, माई स्टेयरिंग, माई हब, माई पिलर्स, माई डोर पैड्स, हर एक चीज़ इस लेदर के अंदर रैप हो चुकी है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, इसका जो एक एम्बियंस है इट इज़ गोइंग टू गेट लिट इवन मोर बिकॉज ऑफ टू मोर अमेजिंग थिंग्स। वन, द हेडरेस्ट मॉनिटर जो मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ, एंड टू द एम्बियंस लाइट जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। एम्बियंस लाइट ऑन करूँ? हेलो लाइट, टर्न ऑन। दैट इज व्हाट आई कॉल टेक्नोलॉजी। भाई जस्ट हैव अ लुक एट दैट ब्यूटिफुल एम्बियंस लाइट रनिंग इन द कार ओवर हियर। पूरे डैशबोर्ड, डोर पैड्स, डोर हैंडल्स, बॉटल होल्डर्स, फ्लोर एरिया, हर जगह ये एम्बियंस लाइट रन करेगी। एंड द ब्राइटनेस एंड द प्रीमियमनेस इज अनदर लेवल। द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइट ऑल्सो इफ यू सी, कि भाई हर कोने से लेके एज से कॉर्नर तक इट इज़ द सिंगल सेम लाइट, कहीं पर भी एक सिंगल परसेंट डिसिमेट्री नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट, मोबाइल ऐप से तो कंट्रोल्ड बहुत सारे देखे होंगे आपने, ये वॉइस कंट्रोल्ड है। हेलो लाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, कलरफुल मोड, जस्ट हैव अ लुक एट दैट कलरफुल मोड रनिंग इन द कार। चेंज इफेक्ट, चेंज इफेक्ट, स्ट्रोब मोड, सिंफनी मोड, चेंज इफेक्ट, चेंज इफेक्ट, कलरफुल मोड, कलरफुल मोड। आई थिंक दिस इज माई पर्सनल फेवरेट वन भाई, मतलब जिस तरीके से ये एक वाइब देता है ना गाड़ी में, आज आप कोई भी X7 देख लो, S क्लास देख लो, सबके अंदर इसी टाइप के एम्बियंस लाइट बाई डिफॉल्ट हमें लग के आता है। अगेन फ्रेंड्स, गोइंग टू द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ दिस एंटायर सेटअप, दैट इज द रेयर हेडरेस्ट मॉनिटर्स। तो आइए लेट मी जस्ट शो यू दोज एज वेल। तो दोस्तों अगर आप देखोगे, हमने यहाँ पर दो हेडरेस्ट में स्क्रीन्स लगाए हैं। ये है हमारे 13.3 इंचेस रेजर के 2K डिस्प्ले के साथ आते सो प्रॉपर हेडरेस्ट मॉनिटर्स। इसके ऊपर एक फिल्म है, क्योंकि नए स्क्रीन्स है तो वी विल हैव टू रिमूव इट, तभी आप लोग को ट्रू आउटपुट इसका पता चलेगा। इट्स गोइंग टू लोड राइट नाउ ओवर हियर। पहली बात तो आप फिटमेंट देखो दोस्तों, दिस इज द स्लीकेस्ट हेडरेस्ट मॉनिटर दैट हैज एवर कम आउट। 13.3 इंचेस स्क्रीन साइज है। वायरिंग आप राइट राउंड देख सकते हो, एक सिंगल वायर नहीं दिखेगा आपको, उतना नीट फिट हुआ है। सीट के नीचे, स्क्रीन के नीचे यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल एम्बियंस लाइट विच इज़ ऑल्सो रनिंग, जैसा ये पूरे हाई एंड कार्स, पोर्शे वगैरह सब में आता है उसी स्टाइल के अंदर। स्क्रीन ऑन होते ही एक ब्यूटीफुल सा इंटरफेस आ जाएगा हमें यहाँ पर, पूरी तरीके से कैपेसिटिव टच है ये पूरा का पूरा इंटरफेस। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, इसके अंदर साइड में USB है, SD कार्ड ऑप्शन है, और साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ऑप्शन मिलती है हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, विल जस्ट गो टू सेटिंग्स ओवर हियर, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हमारा मोबाइल का हॉटस्पॉट अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो सिस्टम के अंदर यू विल फाइंड अ प्ले स्टोर ओवर हियर, जिसके थ्रू मैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, जो बेसिकली ऐप चाहूँ एज इट इज़ डाउनलोड कर सकता हूँ। एंड रनिंग में भी सारे वीडियोस कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। द बेस्ट पार्ट अबाउट आर हेडरेस्ट मॉनिटर्स दोस्तों, आपको ये स्क्रीन अलग यूज़ करना है, ये स्क्रीन अलग यूज़ करना है, दोनों को अलग अलग मूवीज़ देखना है, देखो नहीं, अगर आप चाहते हो इधर जो मूवी चल रही है वो इसमें भी प्रोजेक्ट हो, वो भी पॉसिबल है। तो दिस इज़ अनकॉम्प्रोमाइज सेशन, तो आपको यहाँ पर कोई एक सिंगल पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस द वीडियोज़ वॉचिंग क्लैरिटी, भाई आप दीवाने हो जाओगे, मतलब द काइंड ऑफ क्लैरिटी ऑफ वीडियोज़ ऑल्सो यू विल बी बेसिकली सीइंग इन दिस, इट इज़ अनदर डिफरेंट लेवल। सो लेट मी जस्ट प्ले सम वीडियो फॉर यू, जस्ट लुक एट दैट क्लैरिटी। वाई? बिकॉज ये हमारा 2K डिस्प्ले है दोस्तों। 2K डिस्प्ले मतलब उसकी जो क्लैरिटी रहती है, ट्रू कलर्स टेक्नोलॉजी तो होता है, आज कोई ब्रांड के अंदर हमें ये ट्रू कलर्स टेक्नोलॉजी के साथ 2K डिस्प्ले नहीं मिलता है।
जस्ट लुक एट द क्लैरिटी। आई डोंट नो मेरा वीडियो मेरा कैमरा ये कैप्चर कर पा रहा है आप लोग के लिए नहीं, लेकिन मैं जो लाइव देख रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पर जो क्लैरिटी दिखाई दे रही है, आई डोंट थिंक आज मैंने इसके आसपास भी कोई स्क्रीन देखा है। इट इज ब्यूटिफुल। प्लस दोस्तों इनबिल्ट स्पीकर भी आता है हमें इसके अंदर, तो ये इनबिल्ट स्पीकर के थ्रू भी अगर आपको बिना कोई डिस्टर्बेंस के देखना है कि भाई सामने ड्राइवर डिस्टर्ब ना हो, तो वो भी इसके अंदर एक ऑप्शन के जैसा हमें मिल जाता है। तो USB, HD कार्ड, HDMI इन, HDMI आउट, एम्बियंस लाइट, 2K डिस्प्ले, 13.3 स्क्रीन साइज। अब क्या बच्चे के जान लोगे? कैसा लगा आप लोग का ये अपग्रेड, आया कि नहीं मज़ा? भाई जब मैं बोलता हूँ कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, दिस इज़ व्हाट वी मीन। आज जिस तरीके से कस्टमर ने हमें भरोसा दिखाया है, जिस तरीके से ये काम को एग्जीक्यूशन मिला है, जिस तरीके से टाइम पे डिलीवरी हो रही है, भाई आई एम वेरी 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 हैप्पी टुवर्ड्स द एंटायर प्रोजेक्ट। एंड यू नो व्हाट, एक बात तो मैंने बताना भूल ही गया, इस गाड़ी के ऊपर जिस तरीके की शाइन भी आ रही है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सिरामिक कोटिंग जो हमने किया है। यस दोस्तों, आज हमारे पास इन हाउस सिरामिक कोटिंग, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, ग्रेफाइन कोट, हर एक टेक्नोलॉजी और हर एक कार केयर प्रोडक्ट आप लोग के लिए रेडी है। एंड अगर आप लोग को भी ये काम पसंद आया हो तो डोंट वरी, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, हम अभी बात करने वाले विशाल भाई, मोहित भाई से वापस, एंड ट्राई करेंगे लकी भाई से कॉल पे बात करने की, क्योंकि ही हैजंट सीन दिस व्हीकल येट। एंड उनका एक्सप्रेशन देखेंगे कैसा है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये गाड़ी उन्हें पसंद आई है एंड वॉट वॉज हिज ओवरऑल एक्सपेक्टेशन लाइक। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल आई गेट बैक विद देम। दोस्तों अभी हम जुड़ चुके हैं वापस मोहित भाई एंड विशाल भाई के साथ। लकी भाई तो चले गए मुंबई, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे, यू नो इट व्हाट, लकी भाई ने गाड़ी अभी तक देखी नहीं है, हमने ना फोटोज़ भेजे ना वीडियो कॉल किया है, वी वर लाइक यू नो, उधर जाने के बाद ही भाई का रिएक्शन देखना है लाइव। बट जब अब हमारे साथ मोहित भाई और विशाल भाई है, उनसे जानना चाहेंगे कि भाई जो मेहनत दिखी आपको गाड़ी पे, ओवरऑल जो रिजल्ट आया है, आपको अब क्या लग रहा है, कैसा लगा काम? सर जैसा कहा जाता है कि हैदराबाद मोती के लिए बहुत फेमस है, वैसे ही मोती जैसे चमचमा रही है कार, और अभी हम हैदराबाद से मोती को हम चुरा के लेके जा रहे सर हमारे सिटी में। और दूसरी बात जो सर बोलते हैं नवाबों का शहर है, अभी इसमें घूम के भी हमको नवाबों की फीलिंग आ रही है सर, और नवाब जैसी गाड़ी बन चुकी है सर अभी, पहले नवाब जैसा फील नहीं आ रहा सर गाड़ी में, पर अब नवाब जैसा पूरा फील आ रहा है इसमें। और बहुत ही आपने बहुत मेहनत करी सर, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, बहुत अच्छा काम किया सर आपने इसके लिए। आगे विशाल भाई कंटिन्यू करेंगे सर। जब मैं यहाँ पे आया और गाड़ी को देखा तो शॉक्ड हो चुका था कि ये अपनी कार है क्या, और गाड़ी देखने के बाद में मेरा एकदम ठिकाना ही नहीं रहा, इतनी ऑसम बना दी गाड़ी, मतलब जो गाड़ी पहले थी उससे ज्यादा बढ़िया और उससे ज्यादा बेटर, बहुत 100% एक नंबर गाड़ी बन चुकी है। चलो मतलब दैट इज एक्चुअली वेरी मोटिवेटिंग भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, बिकॉज़ ये जो एक प्रोजेक्ट हुआ है ना ओवरऑल, मतलब हम लोग को पता है कितनी मेहनत लगी है, कितने सब लगे हैं, आप लोग की ट्रस्ट और आप लोग का जो एक रिगार्ड्स और जो प्यार है बेसिकली, इट इज समथिंग जो मैं अगेन मतलब यू नो वर्ड्स में नहीं बोल पाऊंगा। आपने बहुत बहुत ज्यादा प्यार से गाड़ी बनाई है भाई, थैंक यू सो मच, बनाई हमारे लिए गाड़ी सर। आपकी पूरी कार सोनिक टीम्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं सब लेबर लोगों ने भी बहुत मेहनत किया, आप सबके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप थैंक यू सो मच। जल्द हम दूसरी कार लेके आ रहे हैं, 100% वेट कर रहा हूं, 100% आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर लकी भाईज रिएक्शन कि कैसा रहेगा आफ्टर ही सीज दिस व्हीकल। तो दोस्तों अगर आप लोग को भी ये मेहनत, ये काम और ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट पसंद आया हो, तो यू नो इट व्हाट टू डू, ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लव दिस कार, लव दिस वीडियो, तो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव्ड वंस। एंड यस, बिना सब्सक्राइब करे जाना ही नहीं, बिकॉज जितना सब्सक्राइब करोगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा इस तरीके के और भी और नए नए प्रोजेक्ट्स लेते आने। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइव।